फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रजित बघाल। आई होप यू लाइफ इज फाइन। कल वाला व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज का जो व्लॉग है ना, वो कल के व्लॉग का ही कुछ पार्ट है, क्योंकि कल का जो आपने थंबनेल देखा है ना, वो अब शूट करेंगे हम। सो मैंने आदित्य को उठाया भी, अभी ये चाय के ऊपर लड़ाई हो रही थी इसकी कि ये कहता कि आदित्य नहीं, शुभम बनाएगा, शुभम कहता नहीं, मैं कह रहा मम्मी बनाएगी, मम्मी कह रही मैं बनाऊंगा, क्योंकि चाय पीने वाले हम दो ही। अच्छा, तो सब ये बात हुई। तो आंटी के साथ मैं हूँ तो तेरे को बनानी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं। अभी हम क्या करना है, थोर को और कोनी को पार्क में लेके जाएंगे और वहाँ थंबनेल खींचेंगे, क्योंकि वहाँ थंबनेल कैप्चर करेंगे। So, और मतलब क्या बात है कि कोनी हमारी जो फीमेल है वो हीट पे है, तो थोर को उससे थोड़ा सा दूर रखना है। तो थोड़ा सा इधर उधर होएगा तो आपको आज क्या बोलता है, वीडियो के पीछे दूसरे शॉट्स क्या होते हैं बिहाइंड द सीन्स भी बीच में देखेंगे। तो आ जाओ पापा जी, थोर के पट्टा बांध दो, मैं उन्हें कहता हूँ ये बैठिए आराम से। हाँ, ओ तेरी डील उतार दूं। थोर तो खा लेते, कोनी डील कई दिनों बाद पार्क में लेके आ रहे हैं। वैसे डॉग अलाउड नहीं है पार्क में, तो लिख रखी है बात। धूप में चलो, धूप में बड़ी मुश्किलों के साथ सारे मोहल्ले को पता चल गया होगा इधर थंबनेल ले रहे हैं। देख लो, इतना करना पड़ता है भाई। दो रोटवाइलर संभाले नहीं जाते, फीमेल हो तो भी संभाले जाए, बट मेल और फीमेल में ये मतलब पागल हो जाते हैं। देख रहे हो अभी भी पागल हो जाता है, बोल कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। चलो चलते घर और अपना डे स्टार्ट करते हैं। शायद आज अपना जो अपनी प्रॉपर्टी है वो साफ हो जाए, पापा ने बात करी थी। तो पापा खाना दे रहे हैं कोनी को और मैं भाग के आया हूँ। वैसे तो इसको चिकन देना था, सो इसका मैं फ्री थोड़ा हम प्लान कर रहे हैं चीज़ें, तो वो एक या दो दिन में प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। फिर इसको प्रॉपर डेली चिकन मिलेगा और थोर को भी मिलेगा। अब देखना आप लोग इनकी डाइट क्या होगी। आप लोग मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सारी चीजें, है ना पापा जी। बढ़िया एक्सरसाइज होगी, सब चीज होगी। और एक और मेरे दिल की इच्छा है कि शायद कुछ आप लोगों को जो मेरे से कुछ लोगों का मेरे से जो मतलब वो है ना शिकायत सी है, वो मैं सही कर दूंगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ उस चीज की, ठीक है। बाकी अपनी कोनी खाना खा रही है बेटी, और ये बहुत ज्यादा शांत और समझदार बेटी है। पापा ऊपर रख देता हूँ ना, ऊपर रखूंगा ना। हाँ, तो ये फिसल जाएगा, इसका अपन पता नहीं ना भी। हाँ देखो, ये सच्चाई बताऊं, अभी देखो हमने अडल्ट डॉग लिए है ना, तो समझदारी की चीज में कि बिहेवियर भी नहीं पता। ज्यादातर डॉग्स क्या करते हैं कि वो मतलब खाना लेते हैं तो वो अटैक कर देते हैं, है ना। वैसे इसने ऐसा कुछ नहीं करा है, बहुत ज्यादा मतलब गऊ है ना, गाय है ये, है ना। फिलहाल तो यही है, बाकी टाइम बताएगा। कोनी को धूप में बिठाया हुआ है मैंने, कोनी के लिए मैं ट्रीट लिया हूँ। थोर को तो दे दी, कोनी को दे आपको। चलो कोनी, ये ले बेटू, ये ले, ये ले खाने की। हाँ खाने की, इसको क्या होता, इसको शायद ना मिलती हो ये, हमें बैठ के टाइम पास कर लेगी। खा ले। कोनी को लेके जा रहे हैं हम पापा और मैं हॉस्पिटल, एक बार इसका रूटीन चेकअप करा लेते हैं। तो तभी कोनी को आज थोर वाला पट्टा ये लीश बांध दिया है। इसको क्या बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं, लीश बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो कोनी मैडम के लिए मैंने चादर बिछा दी है, ये देखो व्हाइट कलर की चादर है पूरी सीट पे। और मैडम वैसे ही बैठी है जैसे कि ये तो रोज गाड़ी में बैठ के जाया करती। पापा को भी मस्त लगी ये बात। कैसी लगी पापा? सही है, बिल्कुल सही तरीके से बैठी है ना, बिल्कुल मतलब पूरी सीट का आराम, मतलब प्रॉपर आराम से बैठी है, अपने लुप्त उठा दिया है गद्देदार सीट का। एक ही बैठ सकती है वैसे, इस हिसाब से तो एक ही बैठ सकते हैं। जिस हिसाब से थोर बैठते तो चाहे चार बिठा लो, है ना पापा जी, पर जिस हिसाब से कोनी बैठती है ना, पूरी सीट पे अपना कब्जा करके, तो एक ही बैठ सकता है वही पीछे। कोनी आ गई है अपने घर पे वापस। पीले पानी पीले। और कोनी का हेल्थ चेकअप करा लिया है, डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल फिट एंड फाइन है और हेल्दी है बिल्कुल। ये अपनी कोनी, और कोनी को मैं ऊपर ले आया। सो अब मैं खाना खा लेता हूँ भाई, नहा लेता हूँ। आप देख रहे हो मेरी हालात, सो मैं नहा लेता हूँ। दोस्तों यू कैन सी मैं नहा चुका हूँ, बड़ा फ्रेश फील हो रहा है यार, बड़ा फ्रेश फील हो रहा है। बाल मैंने अभी तक कॉम करी नहीं है, बस ऑयल लगाया था, थोड़ा सा ड्राई हो गया था हेड, तो इस वजह से। और मुझे लग रहा है नीड अ हेयर कट, और मुझे भी सेट करवानी पड़ेगी हल्की हल्की, थोड़े से बाल एक्स्ट्रा आ रहे हैं, सो वो कल करते हैं। बाकी बाल ठीक हो गया, नहाने के बाद तो मज़ा आ जाता है। हमारे थोरी और हेलू तो साथ में सो रहे हैं, और मैं खाना खा लेता हूँ भाई, सुबह से खाना नहीं खाया हुआ भाई। थोरू को तो खिला दिया, कोनी ऊपर है, कोनी को भी खिला दिया। कोनी थोड़ी सी धूप सेक रही है, खाना थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और खाते हैं फिर। सो दोस्तों रात का टाइम हो गया, शाम बिल्कुल रात हो चुकी है, 8 बज गए, और अभी मुझे जाना है शेरविन के घर। और मुझे पता नहीं व्लॉग 2 दिन का व्लॉग एक साथ होएगा या कल ही मैं डाल दूंगा, पता नहीं, बट मैं अभी का अपडेट दे देता हूँ। अभी 8 बज गए हैं रात के, मैं नहाया हुआ हूँ, थोर को खाना खिला दिया चिकन, और अब कोनी की बारी है। कोनी भी खा रही है अपना चिकन, देख सकते हो आप, ये देखो। सो और अब मुझे शेरविन के घर जाना है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। बाकी बड़ी है, देखो भाई थोर का तो मुझे पता है कि मैं उसके कहीं भी हाथ लगा लूँ खाते समय, बट थोड़ी सी रिस्पेक्ट इससे मेंटेन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो नई नई है, एडल्ट है, बट इतना तो ये टेम्परामेंट सही है इसका अब तक का। बट अब पता नहीं कि अगर मैं सामने जाऊँगा ये मुझे अटैक करे या नहीं करे, सो वो चीज़ें तो टाइम से पता चलेगी भाई, और टाइम से ही इसको भरोसा होगा मेरे पे। सो बिल्कुल चीज़ें ठीक है, बस वही है कि नया डॉग है तो एकदम से जाके इसके खाने के आसपास हाथ ना लगाओ, जो वो अपना फिनिश कर ले फिर कर लेना। सो चले। और हाँ, मैं एक अपडेट देना भूल गया, आप लोगों को कहा था मैंने कि शायद ये नेक्स्ट व्लॉग में ही जाएगा, क्योंकि कल मैं जाऊंगा उस प्रॉपर्टी पे जो मैंने हमने ली हुई है, और उसे सफाई करवाएंगे। कल मजदूर आएगा तो उसे सफाई कराएंगे, तो एक बार फिर भी मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा, ठीक। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कोनी और मैं दोनों ऊपर धूप सेक रहे हैं। ये देखो कोनी की दरी भी छाई हुई है, तनको ना बेचूंगी। हाँ चाट ले, तू चाट ले, इसको पसंद है। ये देखो ये प्यार करा रही है मेरे से, और पास आके कहती है मुझे ऐसे ऐसे कर देखना, मैं छोड़ूंगा ना। हाँ ये थोर वाली आदत, ये सबको प्यार बहुत पसंद है भाई ने, प्यार पसंद है। मैं बेटू को है, बेटू प्यार पसंद है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ के बैठ जा, मैं करता हूँ प्यार। है आप लोगों को कैसी लगी कोनी ये बताना कमेंट सेक्शन में, कैसी लगी बताना। मुझे तो अच्छी लगी, मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी, लगी होगी। सो पापा अभी गए हुए हैं वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी पे, आज सफाई हो रही है। सो पापा वहाँ खड़े होके करवा रहे हैं, मेरे को 2 दिन काम है, तो उसके बाद फिर मैं वहाँ जाऊँगा। अगर वो साफ़ होगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी 2-3 दिनों में भाई उसको ना थोड़ा सा रेनोवेट कर रहे हैं हम, अगर वो ठीक हो जाए उसके बाद दिखाऊंगा, या फिर अभी जाऊंगा तो दिखा दूँ, पता नहीं। अगर आज दिखाया होगा तो आपको आगे ब्लॉग में दिख जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं अभी पता नहीं, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं करता, जो लाइव है वो ही दिखा रहा हूँ आप सबको। और अपने ब्लॉग्स की ये खासियत भी है, है ना, है ना, है ना, कौन है ना। सो दोस्तों मैं नहा लिया हूँ, यू कैन सी, ये देखो, देख सकते हो आप लोग, मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। और अब मुझे जाना है अपने वो जो प्रॉपर्टी ली है अपने एनिमल्स के लिए, वहाँ पे पापा सुबह से वहाँ पे ही हैं, और पापा सफाई करवा रहे हैं वहाँ पे। सो चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है, कितनी सफाई हो गई है। मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखाऊंगा अभी, जब वो पूरा बन जाएगा तब दिखाऊंगा, पर थोड़ी बहुत क्लिप तो अगर कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं उसमें डाल दूँ, थोड़ा सा आइडिया आ जाए आपको। सो एक बार मैं आपको और अपडेट दे देता हूँ अपनी फिशेस की। अपनी फिशेस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। प्लांट्स की ग्रोथ आप देख सकते हो, नए नए पत्ते आने लग रहे हैं, ये देखो। और ये जो टैंक्स है ना, इनका मैंने सामान ऑर्डर कर दिया है यार। मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, मुझे ये दिख रहे हैं कि यार रखे और मुझे इन पर काम करना है, और इतना बिजी हूँ कि मैं सामान तक ऑर्डर नहीं हो पा रहे थे मेरे से। सो आज मैंने फिल्टर ऑर्डर करे, देखे हैं मैंने, पता नहीं मेरे अमेजोन अकाउंट के साथ कुछ इशू आ रहा है, वो लॉग इन ही नहीं कर रहा है। मैंने उसको बास्केट में डाला हुआ है, सो वो जब ठीक हो जाएगा इशू तो मैं उनको ऑर्डर कर देता हूँ। हैंग ऑन फिल्टर मंगा रहा हूँ मैं इनके लिए। बाकी आप लोग जल्दी जल्दी 1,30,000 सब्सक्राइबर्स करो, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आप सब एनिमल लवर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे और बहुत बड़ा, और कोशिश करेंगे कि जब तक हम नहीं वो स्पेस भी साफ हो जाए अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत कुछ काम कराना वो भी हो जाए, और 1,30,000 पे हम उसका भी टूर निकाल देंगे। सो आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बस 2000 की कमी है शायद, 2000 सब्सक्राइबर्स की। सो दोस्तों चलो चलते हैं भाई, कई दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ मैं। Let's go! नमस्कार पापा जी। बस इतनी क्लिप दिखाऊंगा अभी सफाई चल रही है। क्या क्या हो गया पापा? ये थोड़ा लेवल बराबर हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो अड़ंगा पड़ा था, वो उठा दिया इधर से, ये साफ कर दिया, वहाँ से जितनी नीटे पड़ी थी वो लगा दी, ठीक है। ये अभी इसमें जाली बंद रहेगा, अंदर से वो वाइट वाइट कुछ बुरादा सा है वो उठाने लग रहा है। हाँ वो मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ। उसके बाद उसको धोएंगे, फिर इसको धोएंगे, फिर इसको पूरी में झाड़ू मारेंगे। और ये बाथरूम ये भी होएगा, बाद में साफ होगा, आज नहीं होगा, मुश्किल है। दोस्तों मैं आ गया हूँ और खाना खाने लग रहा हूँ। ये अपना पड़ा अपना हेलमेट और इस पर लगा हुआ अपना एक्शन कैमरा, पापा के लिए लाया था, पापा तो खा नहीं रहे तो मैं खा लेता हूँ परोंठे और अंदर सफाई हो रही है और मैं आप लोगों को जानबूझ के नहीं दिखा रहा चीज़ें। जब ये पूरा हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा आप लोगों को बनते हुए, है ना। चलो कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोगों को अभी से देखना है या पूरा बनने के बाद देखना है, ठीक है। और ये जो चेयर पे मैं बैठा हुई है अपनी वही कैंपिंग वाली है और अब अच्छी तरीके से काम आएगी ये। पापा को मैंने सुबह तो कहा कि पापा चेयर मंगा लेना एक बार, तो ये आस पड़ोसियों से मंगा रखी। फिर मेरे ध्यान आया आज ही जब मैं आ रहा था, मैं कहा यार टेंट भी तो पड़ा, आप टेंट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा ग्रास वगैरह लगवा के टेंटिंग कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो याद आया यार चेयर तो हमारे पास भी तो है। कैसी लगी पापा चेयर? यहाँ यूज होएगी ना पूरी, अब फुल आरामदायक। चलो खाना खुना खा लेते हैं। बढ़िया, ये देखो भाई मैं खुद ही पैक करके लाया हूँ और उनमें गर्म कर दिया था और मस्त मस्त परोठा। चलो एंजॉय करते हैं। चलो भाई अपनी चेयर्स फोल्ड कर लेते हैं। शाम के 5 बज गए, मजदूर के जाने का टाइम हो गया, तो वो तो जा रहा है। तो अब कल और काम कराएंगे, अभी तो काम होगा यार, कम से कम 1 हफ्ते का काम है इसमें। तो वो गलती किया आप लोगों को, तो वो काम को सारा करा के फिर ही शिफ्ट करेंगे चीज़ें यहाँ पे। तो एक बार काम हो जाए फिर करते हैं। चलो चलते हैं फिर, पापा तो कार में जाएंगे, मैं अपने बाइक पे जाऊँगा। तो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करे बगैर कहीं मत जाना भाई दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ये लाल रंग का जो बटन है इसे कर लो यार, कर लो। अच्छा कंटेंट आने वाला है अब तो, आगे एनिमल प्लेस भी बनने लग रहा है अपना। उसका नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे नाम बताए, बट इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मुझे फाइनल करे उसका नाम क्या रखना उस प्लेस का, ठीक है। सो भर दो कमेंट सेक्शन, 500 कमेंट कर दो फिर, दिखा दो अपना जलवा दिखा दो फिर। और ये कोनी ये बैठी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोनी बैठी हुई है मेरे साथ। चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।